ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल, और आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 21 मार्च के ईश्वरी वरदान की, जो कि कल का वरदान है। और परमपिता परमात्मा ने कल हमें सिखाया है कि हम किस तरीके से एक होली हंस बन सकते हैं, जो कि ज्ञान जल में तैरता है और उड़ना चाहे तो उड़ सकता है। उड़ना मतलब कि स्थिति बहुत ऊंची स्थिति, आनंद की स्थिति, क्योंकि आपको ज्ञान समझ आ गया है। आपको कोई व्यक्ति नीचे नहीं खींच सकता, कोई सिचुएशन आपको नीचे खींच नहीं सकती, आप दुखी नहीं हो सकते। तो देखें परमात्मा पिता कहते क्या हैं, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस बाबा, जैसे हंस जो होता है, जो हंस होते हैं, स्वान कहते हैं इसको, जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। हम उड़ना भी जानते हैं और तैरना भी जानते हैं। हंस क्या होता है, हंस मोती चुकता कहा जाता है, प्योर होता है, वाइट होता है, प्योरिटी होती है उसका, मन साफ, मतलब कि हम हंस हैं अगर, हंस जैसे हैं अगर, तो मन प्योर। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, तो हंस क्या होता है, तैर रहा होता है। तो यहाँ पे जल को परमात्मा कहते हैं ज्ञान का जल, जो कि हम हर दिन सुनते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हर दिन 1 घंटा का पढ़ते हैं, उसको याद रखना पूरे दिन ही क्या है, तैरने जैसा है। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना, जब उस ज्ञान को हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, कोई सिचुएशन कोई व्यक्ति हमें खींच नहीं सकता नीचे। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते, हाय मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता है, क्या करूँ, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है, मेरे साथ ये क्यों करते हैं लोग, मेरे को क्यों ऐसे नीचे गिराते हैं, मेरे अंदर क्यों खामियां देखते हैं, मुझे क्यों पिंग पॉइंट करते हैं, ऐसे आत्माएं कभी ये कंप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि वो होली हंस है, वो ऊंची स्थिति में है, ज्ञान के जल में वो तैर रहे हैं। कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते, वह बीती को बिंदी लगाए, पास्ट में जो हुआ उसको बिंदी लगा ली, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ज्ञान में मैंने प्रैक्टिस करी लेकिन ये पॉइंट मैं यूज नहीं कर पाया उस समय, मेरे से गलती होगी, लेकिन वो फुल स्टॉप, अभी मुझे क्या करना है, वो पास्ट हो गया, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, मेरा आत्मा का पार्ट हो गया वो, अब मुझे क्या करना है। तो वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। तो उसने मुझको ऐसे क्यों कहा, मैं देखता हूँ, उसको मैं बताऊंगा, उसको मैं खींचूंगा नीचे, उसकी स्थिति भी नीचे लेके आऊंगा, खुद भी दुखी औरों को भी दुखी करने वाले, किसने कुछ गाली कर दी, उसने मुझे गाली कैसे करी, तुम भी ऐसे हो, तुम भी इतने गंदे हो, तुम्हें अपने आप को जानते हो, मुझे क्यों बोला ऐसे, वो कभी ऐसी चीज नहीं कर सकते। वो उड़ेंगे, खुद भी बीती को फुल स्टॉप लगा देंगे, वो भी खुद उड़ेंगे और औरों को भी हल्का कर देंगे, किसी को खींचेंगे नहीं नीचे अपने साथ में, वो किसी को नीचे अवस्था में नहीं लिखेंगे, किसी को सैड नहीं करेंगे, किसी को वो गिराएंगे नहीं अपने जीवन में। तो ऐसे होली हंस हमें भी बनना है, और इसको बनना कैसे है, इसके लिए आपको साप्ताहिक कोर्स करना बहुत जरूरी है ब्रह्म कुमारी का, जहाँ पे आप भी बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग से और ये शक्तियों से, इस ज्ञान से आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही आज के लिए, इसके साथ ओम शांति।